आज मैं आपके लिए ब्रेड की इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। बनने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। भागम भाग में अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब ये रेसिपी आप देखेंगे तो इसको बिना बनाए नहीं रह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने कुछ ब्रेड ली हैं, आप चाहें तो बासी ब्रेड भी ले सकते हैं या जो बची हुई ब्रेड हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं और ताज़ी ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके चारों कॉर्नर हम इस तरह से कैंची से काट लेंगे या आप किसी चाकू की सहायता से काट लीजिए। तो सारी ब्रेड के कॉर्नर मैंने इस तरह से काट लिए हैं। अब इनको हम रफली तोड़ लेंगे। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और ये सारे इसके जो कॉर्नर हैं ब्रेड के, ये इसमें डाल देंगे। साथ में 15 से 20 काजू डाल देंगे। 15 से 20 मैंने लिए हैं बादाम। अब इसमें डालेंगे हम मिठास के लिए शक्कर, तो शक्कर मैंने 3 चम्मच डाली है। आप इसको सिर्फ काजू से भी बना सकते हैं या बादाम ले सकते हैं, और आप इसमें नारियल का बूरा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम पीस लेंगे, तो थोड़ा चलाना है, 1-2 बार ही चलाना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के से काजू पिस्ता के या आप जो भी ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं हल्के हल्के से उनके टुकड़े दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पीस लेंगे, 1 से 2 बार ही चलाइएगा। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे दूध, तो दूध पहले से गर्म हो या ठंडा हो कोई सा भी ले सकते हैं। तो 2 कटोरी मैंने दूध लिया है और इसको हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से उबाल आने देना है। जब ये उबल जाएगा तो हमने जो पाउडर बनाया है उसको हम डाल देंगे और मीडियम और हाई फ्लेम पर ही हम इसको फिर से लगातार चलाते रहेंगे। इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है। हाई फ्लेम पर भी इसको जल्दी जल्दी से बना लीजिए, और ये 1 ही मिनट लगता है या 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो एकदम हमें इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, हल्का सा लिक्विड रहना चाहिए ये, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारा बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ वैनिला एसेंस यूज़ किया है, आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या आपको जौन सा फ्लेवर पसंद हो आप वो उसमें ऐड कर दीजिए। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया था और अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। इसको हम अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब जो हमने ब्रेड ली थी उनको हम बीच में इस तरह से कट कर लेंगे, तो चाकू से या कैंची से अच्छे से इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो एक ब्रेड के हमें 4 पीस मिल जाएंगे। सारी ब्रेड को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा शुद्ध घी, आप चाहें तो तेल का यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने ब्रेड के स्लाइस लिए थे वो उसको हमें इस पर डालकर गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छी तरह दोनों तरफ से अलट पलट करके हम इनको बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, तो फटाफट से ये सिक जाते हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। खाने में ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी तरह से हम और भी अपनी ब्रेड को तल लेंगे। तो सारी ब्रेड मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल ली हैं। ब्रेड हल्की सी ठंडी हो गई हैं, तो एक टुकड़ा उठाकर जो हमने बैटर बनाया था उसको थोड़ा सा लगाना है, बहुत सारा नहीं लगाना, तो थोड़ा सा इस तरह से हम इसके ऊपर बैटर लगा लेंगे किसी चम्मच की सहायता से। अब दूसरा बाइट उठाकर हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और हल्का सा प्रेस करना है, और जो बैटर एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम किसी चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। अगर आप इस ब्रेड को और मीठा करना चाहते हैं तो शुगर सिरप में इसको डिप कर लीजिए। 1 कटोरी लीजिए शक्कर, 1/2 कटोरी लीजिए पानी, और हल्का सा उसको बॉयल होने तक पकाइए, और उसमें ये ब्रेड के स्लाइस डाल के तुरंत निकाल लीजिए। तो ये थोड़े रसीले से हो जाएंगे, मुझे थोड़े क्रंची चाहिए थे तो मैंने शुगर सिरप में इसको डिप नहीं किया है। ये देखिए सारी ब्रेड हमने इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब इनको हम थोड़ा और डेकोरेट करते हैं। तो ये लिया है मैंने नारियल का पूरा, आप चाहें तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से क्रश करके भी ले सकते हैं। अब एक बाइट उठाकर इसके चारों तरफ हम हल्के से इस तरह से नारियल का बूरा इसमें लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिखने लगी है हमारी रेसिपी। तो सारी ब्रेड को हम इसी तरह से कोट कर लेंगे नारियल के बूरे में। बीच में डालेंगे हम थोड़ा सा अपना बैटर जो हमने बनाया था, और बीच में लगा लेंगे हम इसमें टूटी फ्रूटी, आप चाहें तो यहाँ कोई ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या चेरी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए सारी ब्रेड को हमने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है और दिखने में कितनी यमी लग रही हैं, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगी। तो आप इस तरह से बची हुई ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मिल्क पाउडर, मावा, चाशनी की। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।